नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर, और यह जो है काफ़ी अहम प्रक्रिया जो है रेलवे की तरफ से जारी की गई है। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह की नई नई योजनाएं लाती रही है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बता दें कि यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है टिकट को लेकर। यात्रा पर जाने से पहले लोगों को यही लगता है कि टिकट कंफर्म मिलेगा कि नहीं। अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो फिर हम यात्रा कैसे करेंगे। ऐसे में रेलवे यात्रियों को टिकट को लेकर अपने नियमों में कई तरह के बदलाव करते रहा है, जिसमें कि हमने देखा कि तत्काल टिकट के तहत हम यात्रा से ठीक पहले टिकट निकलवा सकते हैं, वो भी कंफर्म। तो इस तरह के नियमों में रेलवे जो है लगातार बदलाव करते रहा है। ऐसे में आज हम कैसे ही नियम के बारे में जानेंगे। रेलवे ने टिकट को लेकर एक और बदलाव किया है, जिसमें कि रेलवे ने कहा है कि रेलवे का टिकट बुक करते समय अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यात्रा कीजिए, बाद में पैसे देने की सुविधा रेलवे ने जारी कर दी है। रेलवे के इस ऑफर के बाद आप फ्री में अपनी यात्रा का टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे ने इस पॉलिसी का नाम दिया है बुक नाउ पे लेटर। रेलवे के इस ऑफर के तहत कोई भी ग्राहक IRCTC की वेबसाइट पर बिना पेमेंट किए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। टिकट बुक होने पर 14 दिनों के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी जमा करना पड़ सकता है, जैसे कि भुगतान के समय आपको टिकट का 3.5% सर्विस चार्ज देना होगा। लेकिन यह भी कहा गया है कि 14 दिनों के अंदर आप टिकट करवाते हैं तो यात्री को अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। अगर आप इस सुविधा के तहत तत्काल टिकट लेते हैं तो आपको टिकट लेते समय पेमेंट फेल होने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तत्काल टिकट के समय पेमेंट फेल होने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ लेते हैं तो आप परेशानी से बच सकते हैं, साथ ही साथ आपको कन्फर्म टिकट भी मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं टिकट को बुक कैसे करें। टिकट बुक करने के लिए आपको पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको बुक नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें पैसेंजर की पूरी डिटेल भरनी होगी। साथ ही साथ आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा। इसे भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पेमेंट डिटेल का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर भीम ऐप या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रेलवे की तरफ से दिए गए ऑफर, जिसे कि हम ई पे लेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहां पर आप ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर आप ई पे लेटर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। ग्राहक www.epayletter.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसको चुनने के बाद आपको बिना पेमेंट किए ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। तो ये जो है रेलवे की तरफ से एक बुकिंग की सुविधा जो है ये की गई है। IRCTC के इस ऑफर के तहत अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 14 दिनों के अंदर पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज। आप टिकट लेते समय डेबिट कार्ड या फिर भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो टिकट ले सकते हैं। तो ये रेलवे ने जो है एक खास नियम एक तरह से कह लें कि जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर कैश में पैसे नहीं हैं या फिर पैसे नहीं हैं तो आप जो है टिकट कर सकते हैं। उसके लिए जो नियम है ई पे लेटर का आप लाभ उठाएं और IRCTC से टिकट करवाएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।